गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे इस प्लस वन के सिलेबस में है, ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है क्योंकि ये आपके लिए बेस प्रोवाइड करवाएगा बेटा फॉर प्लस टू मैथ. ठीक है, जो प्लस टू मैथमेटिक्स सिलेबस है जिसमें कैलकुलस पार्ट है वो प्योरली एंड प्योरली डिपेंडेंट है ट्रिग्नोमेट्री पर. अगर ट्रिग्नोमेट्री से आपका बेस बना होगा तो आप कैलकुलस को ईजिली कर पाते हो. हालांकि ये नहीं है कि डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री ही है वो, पर ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है. ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री जब हम करेंगे तो इसमें काफ़ी हम डिटेल में जाते हैं बेटा. ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप साथ के साथ इसकी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें ताकि आपका कोई गैप ना पड़े बेटा इसमें. ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आपने इसमें ध्यान देना है राजे. फर्स्ट ये हमारा एनसीईआरटी बुक से है बेटा. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. हमारे पास सबसे पहले इसमें आता है एंगल. ठीक है, अब कहोगे जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप करवा रहे हो या ट्रिग्नोमेट्री करवा रहे हो प्लस वन क्लास में और तब एंगल हमें डिफाइन करा रहे हो. बट ठीक है बेटा, एंगल को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि हम लोअर स्टैंडर्ड में अपने मेच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग एंगल को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं. अभी आपको डिटेल में इसको और अपग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफाइन करना है. एंगल क्या होता है? एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन ऑफ ए गिवन रे कहता है. एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे फ्रॉम इट्स या अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट क्या बोला जा रहा है बेटा? एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन. रोटेशन को मेजर करना, किसका रोटेशन है? ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. एक गिवन रे है. ठीक है, हम आम पहले पढ़ के आते हैं बेटा कि एन एंगल हैविंग टू आर्म्स विद कॉमन वर्टेक्स. ठीक है, हम यही पढ़ते आते हैं. यहां पे हमें क्या बताया जा रहा है कि एक जो एंगल है वो कैसे डिफाइन हो रहा है? मेजर ऑफ रोटेशन है एक गिवन रे का अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, अपने इनिशियल पॉइंट. ठीक है, द इनिशियल पॉइंट द गिवन रे इज कॉल्ड एज इनिशियल रे. And the position of given ray after rotation yeah, okay, गिवन रे इज कॉल्ड एज इनिशियल साइड. इसको साइड देखिए, एंड आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड एज टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल. देखिए बेटा, अब हमें ये जो लैंग्वेज लिखी है इसको फिगर में उतारना है. ठीक है,
दिस गिवन रे, आपको मालूम है रे मीन्स पार्ट ऑफ लाइन हैविंग इनिशियल पॉइंट, हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, बट कैन बी एक्सटेंड, वो एक्सटेंड हो सकती है बढ़िया, उसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में बता सकते हैं, ये एरो हमें बता रहा है, ठीक है। कहता है इसका रोटेशन है, ठीक है, अबाउट इट्स निशनल पॉइंट, निशनल पॉइंट के अलोंग रोटेशन। पहले मैं सिर्फ ये ले रहा हूं, ये वाला केस, दिस, दिस इंडिकेशन मैंने की। अब ये हमारे पास ये जो ये चीज है, ये क्या है, इनिशियल साइड है, गिवन रे है, इनिशियल रे है, दिस इज टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। ये जो इनिशियल पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू ओ, दिस इनिशियल पॉइंट इज नोन एज, हमने यहां पे लिखा है ना, कॉल्ड एज एंगल इज अ मेजर ऑफ अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। ठीक है, जो कुछ भी यहां पे लैंग्वेज में लिखा गया वो यहां पे फिगर में उतारा है। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, रोटेशन को मेजर करना या जो जितना उसका अमाउंट होगा ऑफ ए गिवन रे, एक गिवन रे का उसका जो रोटेशन है अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट के अबाउट, द गिवन रे जो है वो कहलाती है इनिशियल साइड, एंड द पोजिशन ऑफ गिवन रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, एंड द इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एज अ वर्टेक्स। ठीक है, इफ ये जैसे ये है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होता है, पॉजिटिव एंगल, ठीक है, एंड क्लॉकवाइज, लेट अस सपोज दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है नेगेटिव एंगल, वो नेगेटिव एंगल कहलाता है। ये सिर्फ एंगल को डिफाइन करना हुआ, एंगल क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, ठीक है, रोटेशन को मेजर करना है ऑफ ए गिवन रे, गिवन रे का जो रोटेशन है उसको हम मेजर कर रहे हैं अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, उसके इनिशियल पॉइंट के अलोंग हम उसको कर रहे हैं। देन हमारे पास आ रहा है कि जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या कहलाता है, जो इनिशियल उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है तो वो एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है तो वो नेगेटिव एंगल कहलाता है। अब एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, अप टू 10 स्टैंडर्ड हम डिग्री मेजर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक नया फॉर्म आ रहा है या अदर फॉर्म है जो वो है रेडियन फॉर्म। अब इसको हम इसके मेजर के बारे में डिस्कस करते हैं कि एंगल जो हमने मेजर करना है वो क्या चीज है। फर्स्ट फॉर्म आता है डिग्री मेजर, सेकेंड फॉर्म है यहां पे रेडियन मेजर। सबसे पहले हम डिग्री मेजर को डिफाइन करेंगे बेटा,
इफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे, जो गिवन रे है, जो इनिशियल रे है, जो इनिशियल साइड है, if the rotation of initial side to its terminal side या terminal position ठीक है is one by 360th of a complete revolution then the angle is said to be of 1 degree measurement. क्या हमें बोला गया है, इफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल, देखिए बेटा इनिशियल साइड का ही रोटेशन है, बात आ रही है कि इनिशियल साइड का रोटेशन है, कहाँ पे रोटेट हो रहा है वो, जिस वो अपनी टर्मिनल फाइनल पोजीशन पे या फाइनल जो उसका टर्मिनल साइड बना है वो रोटेशन कितना है, या मैं ऐसे कहूँ कि इनिशियल टू फाइनल पोजीशन का जो रोटेशन है, जो चेंज है, वो क्या है, अगर 1/360th ऑफ ए कंप्लीट वन रेवोल्यूशन है देन एंगल जो है वो 1 degree का एंगल कहलाता है. 1 degree इज इक्वल टू 60 minutes ठीक है, एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds ठीक है. ये है हमारे पास. अब डिग्री मेजरमेंट हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हैं, हम सिर्फ डिफाइन नहीं करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे आपको डिफाइन करवाया गया. मेन हमारा फोकस रहेगा कि रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, क्योंकि जब हम प्लस वन ट्रिग्नोमेट्री प्लस वन ऑनवर्ड्स करते हैं तो हम रेडियन फॉर्म को ही फॉलो करते हैं. अब क्या है रेडियन फॉर्म, लेट मी हैव ए सर्कल ठीक है, मैंने एक सर्कल लिया है यहाँ पे जिसका रेडियस क्या है 1 unit है ठीक है. दिस इज ए बी. अब ये हमारे पास लेंथ है, ये आर्क है ए बी. आर्क ए बी का जो लेंथ है दैट इज ऑल्सो 1 unit ठीक है. इफ लेंथ ऑफ आर्क इज 1 unit ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इज 1 unit सबटेंड एन एंगल थीटा ठीक है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ 1 unit. क्या आपको बताया जा रहा है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क लिया ठीक है, वो लेंथ ऑफ आर्क 1 unit का है, वो लेंथ ऑफ आर्क या आर्क मैं ऐसे कहूं सॉरी आर्क कि दोनों वर्टिसेस जो दोनों किनारे हैं जो दोनों पॉइंट्स हैं वो दोनों के दोनों सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करते हैं ठीक है, किस वो जो सेंटर है दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 1 unit तब हमारा जो एंगल सबटेंड हुआ है सेंटर पे वो कहलाता है 1 radian ठीक है. द एंगल subtended by unit length arc
एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस वन यूनिट इज कॉल्ड एज वन रेडियन. ऐसा एंगल जो आर्क ने, आर्क की जिसकी लेंथ वन यूनिट है, उसने सेंटर पे बनाया है, सेंटर ऑफ द सर्कल पे बनाया है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस वन यूनिट का है, सेंटर पे जो बना एंगल है, दैट इज कॉल्ड एज वन रेडियन. ठीक है, अब देखिए बेटा, ये बना, ये एक हमारे पास आर्क थी. सिमिलरली यहां पे कोई एक और आर्क हो गई. लेट अस सपोज दिस इज थीटा वन, दिस इज थीटा टू, ए बी सी डी. लेट अस सपोज दिस इज थीटा थ्री. यहाँ पे कोई एक आर्क है ई, इस आर्क ने बनाया थीटा फोर, इस आर्क ने बनाया थीटा फाइव. ठीक है, तो ये सब जब आर्क सभी ज्वाइन हो गई बेटे, तो ये क्या बना है, एक सर्कल कंप्लीट हुआ है. सर्कल हालांकि पहले ही बना हुआ था, एक सर्कल कंप्लीट, जहां से ए से हम स्टार्ट किए थे वहीं पे ए के, ए पे ही आके हमने एक सर्कल कंप्लीट किया. तो इसका मतलब क्या है, वी वर मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस, हम सर्कमफ्रेंस वाली लाइन पे घूम रहे थे. ठीक है, और दूसरी देखने वाली बात क्या है कि हम यहां पे क्या पूरा इस पॉइंट का हमने कंप्लीट कर दिया, तो मतलब कि देर इज वन कंप्लीट एंगल. ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या, या मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं, हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल. लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इंटू सेक्टर एंगल ओवर 360 डिग्री. यही हम करते थे, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू थीटा ओवर 360, ये कैंसिल हो गया बटा 180. ठीक है, अभी इसको रखते हैं हम आर इंटू थीटा इंटू पाई ओवर 180 डिग्री. एक ये रिलेशन अभी यहां तक समझिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास जो अभी हमने सीखना है बेटा. ठीक है, पहले मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं जो मैं डिस्कस कर रहा था. सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर. ठीक है, अब 2 इंटू पाई इंटू आर होता है, और इस पूरे जो पूरा सर्कल हमारे पास कंप्लीट होने के बाद जो एंगल सबटेंड हुए हैं, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर, थीटा फाइव, जो कंप्लीट एंगल है, दैट इज ऑफ वन 360. कंप्लीट एंगल जो हमारे पास है, दैट इज 360. अब हमारे पास जो रेडियस गिवन है, दैट इज ऑफ वन यूनिट. ठीक है, सर्कमफ्रेंस हमारे पास आई 2 इंटू पाई. तो हमारे पास जो यहाँ पे अगर वन यूनिट जो हमारे पास लेंथ है, वो अगर वन रेडियन एंगल बनाती है, देखिए रेडियन, वन रेडियन एंगल बनाती है, तो जो कंप्लीट आर्क है वो कितना बनाएगी, दैट इज ऑफ 2 पाई रेडियन. ठीक है, तो जो पूरी आर्क, इट मीन पूरा सर्कमफ्रेंस है, वो सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है, 2 इंटू पाई रेडियन. ठीक है, तो हमारे पास जो कंप्लीट एंगल जिसको हम 360 बोलते हैं बेटा, वो इन रेडियन फॉर्म क्या आया, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2 पाई रेडियन, या हम ऐसे कहें कि 2 इंटू पाई इंटू रेडियन. और वो डिग्री मेजरमेंट में हमारे पास क्या है, कंप्लीट एंगल ऑफ 360 डिग्री. यही तो है सर्कमफ्रेंस, आपका फॉर्मूला लगाया दिस,
अब 2 पाई हो गया सर्कमफ्रेंस, अब हमने देखा है कि ये लेंथ, ये जो आर्क है वो इतना बनाती है, ये आर्क इतना बना दिया, ये आर्क इतना पूरा जब सम किया तो पूरे अगर हम लेंथ ऑफ आर्क बनाते 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 ए से चले ए पे आ गए तो उसका मतलब कंप्लीट साइकिल हो गया, एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, मतलब कि पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया, तो सम ऑफ एंगल भी हो गया। ये थीटा 1 रेडियन था, ये थीटा 2 रेडियन, ये मतलब कि 1 रेडियन 1 रेडियन 1 कंप्लीट। तो इट मींस क्या है, 1 बनाता है जो 1 लेंथ आर्क है वो 1 रेडियन बनाता है, तो अब लेंथ हमारे पास 2 पाई लेंथ है तो वो कितना रेडियन बनाएगा, 2 * पाई * रेडियन, वो कंप्लीट एंगल है। और सेंटर ऑफ द सर्कल हमें डिग्री मेजरमेंट में पता है 360 डिग्री होता है, तो हमारे पास 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। ये मेरे को भी एक्सप्लेन करना है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, या हम ऐसे कहें पाई इंटू रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ये डिग्री मेजरमेंट है, ठीक है। अगर इसको मैं रेडियन मेजरमेंट में मेरे को बताना हो, 180 डिग्री जो है, जो 180 डिग्री है वो इतने रेडियन के बराबर है, ठीक है। तो रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये जस्ट अभी हमने सीख लिया है रिलेशन को एस्टैब्लिश करना। अब जो हम डिग्री मेजरमेंट में डिग्री के लिए करते हैं, बट जब हम रेडियन है तो सिर्फ हम उसको रेडियन को लिखते नहीं है, सिंपल 2 पाई, इट मींस 2 * पाई का मतलब क्या है कि जो एंगल मेजरमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ हमारे पास क्या आ चुका है, रेडियन मेजरमेंट। तो पाई इज इक्वल टू 360 ओवर 2, इट मींस 180 डिग्री, ठीक है, इट मींस पाई रेडियन, ठीक है। यहां पे अगर हम रेडियन मेजरमेंट अब हम लिखेंगे आर इंटू थीटा, दैट विल पाई इज इक्वल टू 180 ओवर 180, इट मींस क्या है, 1 रेडियन, इन टर्म्स ऑफ रेडियन आ गया। तो जब आप ये रिलेशन करोगे, यूज करोगे इन क्वेश्चंस, तो आपके पास क्या है, थीटा इन रेडियन मेजर, जो थीटा है वो इन रेडियन मेजर है हमारे पास बेटा, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि एल जो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस आर हमें गिवन है, उसने जो एंगल सेंटर पे बनाया है, दैट इज थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन, नॉट इन डिग्री मेजरमेंट। ये हमारे पास है, ये हमने 10th के फॉर्मूला से बेस उठाया बेटा, वहीं से। अब देखिए इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि कन्वर्ट करना, ठीक है, डिग्री टू रेडियन मेजर, और देन डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में आता है, अगर आपको, आप थोड़ा सा लिख सकते हो कि रेडियन मेजर में जाना है, या रेडियन इज इक्वल टू, रेडियन में जाना है ना बेटे आपको, तो आपको क्या करना है, पाई ओवर 180 इंटू डिग्री मेजर, बस आपना इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना बेटे। अगर आपको डिग्री टू रेडियन में जाना है तो आप इसको मैनुपलेट कर सकते हो, 180 ओवर पाई हो जाएगा। सो आपको सिर्फ एक याद रखने का है, दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूजन में जाओगे, आप सिर्फ एक याद रखिए फिर आप करते रहोगे। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स, 25 डिग्री हमें दे रखा है, ठीक है, इसको हमने रेडियन मेजर में जाना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू
अब रेडियन मेजर, सीधा रेडियन मेजर में जाइए, आपके पास फॉर्मूला ही पड़ा है, बस सिंपल सी बात है बेटा। रेडियन जो मेजर है वो कितना हो जाएगा, पाई ओवर 180 इनटू डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट कितना है बेटा, 25 है, तो इसको पुट कर दिए बच्चे, 5 पाई ओवर 36। अब इसके साथ आपको रेडियन ऐसा आर लगाने की जरूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं कि 5 पाई ओवर 36 जो है वो रेडियन मेजरमेंट है एंगल का। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री हो, अगर हमारे पास 30 डिग्री हो तो रेडियन मेजर क्या होगा, 5 ओवर 180 इंटू 30 5 ओवर 6। अगर आपके पास 45 डिग्री हो तो क्या होगा, 5 ओवर 180 इंटू 45 5 बाई 4। इसी तरह से 60 हो, 75 हो, जितना भी हो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें मालूम पड़ सकता है। हमारे पास आ रहा है 240 डिग्री, इस क्वेश्चन में है 240 डिग्री। को हम कैसे करेंगे, 5 ओवर 180 इंटू 240, 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 4 पाई ओवर 3, दैट इज इन रेडियन फॉर्म। ये हमें समझ जाने का है बेटा, हमें इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट। अब डिग्री मेजरमेंट में आ रहा है, उसने बोला है यूज वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है, और हमें दे रखा है 11/16 रेडियन, ठीक है। ये हमें गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट है, पाई की वैल्यू कहता है 22/7 यूज कीजिए। तो मैंने आपको बोला सिर्फ ये फार्मूला याद रखो, इससे डिग्री मेजरमेंट का आप मैनिपुलेट कीजिए, क्या बनेगा बेटा, 180 ओवर पहले लिखो पाई और क्या है रेडियन मेजर, ठीक है, 180 डिग्री ओवर इसको 22/7 लगाइए, और कितना दे रखा हमें 11/16 पुट कीजिए, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये 90 बना, फिर कैंसिल हो गया 45/8, इसको मल्टीप्लाई कीजिए बेटे, इतने डिग्री बन गया। आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर आपको जैसे बोला गया कि 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है, 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, तो आप प्रॉपर अगर फॉर्म में उसको जाओगे तो आप वैसे भी आप कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन वैसे भी आपको करवा देता हूँ, देखिए कैसे करना है बेटा। ठीक है, आपके पास क्या बना है, यहां पे बना 39 डिग्री और क्या बना 3 मिनट्स। अब मिनट्स जो बने आपके पास जो यहाँ पे बचा है इसको आप क्या कीजिए, एक मिनट रुकिए, इसको 60 मिनट्स 13 डिग्री बचा है, ये डिग्री फॉर्म में है, उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या हो गया, 180 मिनट्स आ गए। अब फिर आप 8 से डिवाइड कीजिए, फिर ये आपके पास 4 बचा, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, 22 आपके पास मिनट्स बने बेटा। इस फॉर्म में आपको चलते जाना है बेटे, अब आपके पास 4 रिमाइंडर बचा है, 4 रिमाइंडर जो बचा है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मिनट। अब मिनट है तो उसके सेकंड बनाइए, क्या बन जाएगा, 4 इंटू 60 240 सेकेंड्स,
अब 240 जो सेकंड है उसको 8 से डिवाइड कीजिए तो हमारे पास क्या बना 30 सेकंड। यहां तक छोड़ दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पूरा सॉल्व करना है तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखा दिया बेटा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन वन मिनट, एक मिनट में 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन वन सेकेंड। तो इसको कीजिए कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में उसके कितने रेवोल्यूशन होंगे बेटा, 360 ओवर 60, इट मीन 6 रेवोल्यूशन। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना रेडियन बनता है बेटा, एंगल 2 पाई रेडियन, ठीक है, 360 डिग्री बनता है और 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो हमारे पास क्या है, हमें बताना है हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन वन सेकेंड। सीधे लिख दीजिए रिक्वायर्ड रेडियन, या ऐसे लिखिए इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू वन सॉरी 2 इंटू पाई इंटू रेडियन, 2 पाई रेडियन होता है 2 पाई रेडियन। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना आएगा, 6 इंटू 2 इंटू पाई मतलब कि 12 पाई रेडियन हमारे पास एंगल बनने वाला है, ठीक है। एक पूरा चक्कर लगाने में हमारे पास 2 पाई रेडियन जो है वो एंगल होता है। नेक्स्ट, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। कि डिग्री मेजरमेंट में जो वो आपको बताना है एंगल जो सबटेंड हुआ है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर। ये कर देता हूँ, रेडियस आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 22/7 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सीखा है हमने, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन नॉट इन डिग्री मेजरमेंट। यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है, दिस आर की वैल्यू 100 इंटू थीटा, थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो आप यहाँ से थीटा देखिए क्या बना, 22/700 दैट इज इन रेडियन फॉर्म। अब आपको डिग्री मेजरमेंट में जाना है बेटा, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास रिलेशन जो एस्टेब्लिश हुए हैं आपको क्या बताया गया है, एक मिनट, मैंने आपको बताया जब आप रेडियन एक ही टर्म याद करोगे आप इनटू डिग्री, ठीक है, आप रेडियन इज इक्वल टू दिस। अब आपके पास ये रेडियन गिवन है, ठीक है, तो आपको कहाँ पे जाने का है, डिग्री मेजरमेंट में जाना है, मतलब कि आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री किसके इक्वल होगा, डी विल बी इक्वल टू 180 ओवर पाई इंटू आर, आर फॉर रेडियन डी फॉर डिग्री,
ठीक है, ये कितना रेडियन हमें दे रखा है 180, ये हमारे पास है 22/700। इस पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, पाई की वैल्यू हमें उसने बोला है 22/7 पुट करनी है बेटा आपको, 22 से 22 ये हो गया, सो बेटा ये आपके पास इतना डिग्री मेजरमेंट आ गया। ठीक है, ये आपको सॉल्व कर लेना है यहाँ पे। अगर आपके पास यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, सपोज करो कि मैं यहाँ पे 7 ना हो, ठीक है, ये 7 नहीं है तो ये 1 है, ये आंसर था बेटा आपका डिग्री मेजरमेंट। लेंथ 22 ही हो, दैट इज 1, सो 1, ये 7 आपका यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ, इंटू 7 हो गया ये, तो ये बना आपका 63/5°। अब आप इसको डिपेंड करता है कि यहीं पे छोड़ना चाहते हो या इसको फर्दर करना चाहते हो, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने दोनों ही क्वेश्चन आपको करवा दिए बेटा। ठीक है, बस आपको एक रेडियन का लर्न कर लेना है बच्चे, और कुछ नहीं है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। 5th क्वेश्चन हमें दे रखा है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40, अगर डायमीटर 40 है तो उसका रेडियस 20, उसने हमें बोला लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20, ए बी दैट इज ओ एंड दिस इज दोनों 20 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये भी आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला जा रहा है कि माइनर आर्क, ये माइनर आर्क दिस, इसको आपने इवैल्यूएट करना है। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, जो ट्रायंगल एओबी है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी, थ्री साइड्स ऑल ऑफ मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर ईच, तो यहां पे क्या हुआ एओबी इज इक्वल टू 60° एंगल हो गया, ईच एंगल 60° का होगा, इट मींस ये एंगल जो बन गया वो 60° का बन गया। अब 60° क्या चीज होता है, ये तो डिग्री मेजरमेंट है ना, तो रेडियन मेजरमेंट में क्या होगा, ये पाई ओवर 180 इंटू 63, इट मींस पाई ओवर 3। रेडियन में क्यों जाना है, क्योंकि हमने ए बी लेंथ, लेट अस सपोज दिस लेंथ इज इक्वल टू एल, तो एल हमारे पास क्या है, आर इंटू थीटा, आर तो हमारे पास है, एल हमें बताना है, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो क्या हुआ 20 पाई ओवर 3, ये हमारे पास लेंथ है बेटा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, इफ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल्स में आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60° एंड 75° एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। लेंथ ऑफ आर्क दोनों में सेम है बेटा, वो कहता है सेम लेंथ ऑफ आर्क है, 60° बनाती है और 75° एंगल एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियाई के रेशियो बताइए। लेट द क्वेश्चन नंबर 6, लेट आर वन एंड आर टू बी द रेडियाई ऑफ टू सर्कल। आर वन और आर टू दोनों क्या है, रेडियाई हैं दोनों सर्कल्स के, गिवन दैट थीटा वन हमें दे रखा है बेटा 60° एंड थीटा टू हमें दे रखा है 75°,
बेटे ये हमें डिग्री मेजरमेंट में दे रखा है, हमें जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रेडियन मेजरमेंट में चलना है, तो हम इसका रेडियन मेजरमेंट बताते हैं, पाई ओवर 180। बस एक ये फॉर्मूला याद कर लो बेटा, दूसरा तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ती बेटा। फाइव पाई ओवर 12, ये बन गया हमारे पास पाई ओवर 3। ठीक है, लेंथ अब हमें उसने क्या बोला है कि लेंथ इज सेम, उसने ये बोला है सेम लेंथ। ठीक है, एल वन क्या होगा आर वन इंटू थीटा वन, एल टू क्या होगा आर टू इंटू थीटा टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, L1 और L2 आपस में क्या है, इक्वल है भाई, तो उसने बोला है तो हमने लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, R1 into theta 1 is equal to R2 into theta 2। ठीक है, R1 over R2 that will be equal to theta 2 over theta 1, value of theta 2 5 pi over 12 upon में pi over 3, 5 पाई ओवर 12 इंटू 3 ओवर पाई, पाई से पाई कैंसिल, दिस क्या हुआ 5 ओवर 4, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आया हमारे पास, R1 वन रेशियो आर टू इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन रह गया, वो आप खुद कर लीजिएगा बेटा, उसमें बस एंगल बताना है आपको, लेंथ गिवन है और उसका लेंथ ऑफ आर्क भी गिवन है, टिप्स डिस्क्राइब एंड लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस गिवन है आपके पास, लेंथ भी गिवन है, तो आप एंगल निकाल सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इतना कीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं फॉर जिसमें हम करेंगे बेटा, नेक्स्ट फार्मूला है, फार्मूला की डेरिवेशन करते हैं, वो फार्मूला जो है वो बेसिक हमारे पास फार्मूला है जिसकी हेल्प से सारे के सारे नेक्स्ट वाले फार्मूले ड्राइव होते हैं। थैंक यू बेटा।